नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सरकार के नए डिजिटल नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। व्हाट्सएप ने कोर्ट में अपील की है कि नए डिजिटल नियमों पर रोक लगे, क्योंकि ये यूजर्स की प्राइवेसी के खिलाफ है। कोर्ट में व्हाट्सएप ने कहा है ये कानून गैर संवैधानिक है, क्योंकि यूजर्स की प्राइवेसी इससे खतरे में आती है। न्यूज एजेंसी रियोटर्स के अनुसार व्हाट्सएप नए डिजिटल नियमों के खिलाफ है। नए डिजिटल नियमों में सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट को सबसे पहले किसने किया ये पूछने पर बताना होगा। इस नए नियम से सबसे ज्यादा प्रभावित व्हाट्सएप हो रहा है। व्हाट्सएप के एक स्पोक पर्सन के अनुसार किसी यूजर्स का चैट ट्रेस करना, मतलब हर मैसेज को फिंगरप्रिंट व्हाट्सएप के पास होगा। इससे यूजर की प्राइवेसी, जो उसका फंडामेंटल राइट है, वो भंग होगा। हम भारत सरकार के साथ भी बातचीत जारी रखकर इस पर समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। इससे अगर कोई लीगल वैलिड रिक्वेस्ट हमारे पास आती है तो उसको लेकर हमारे पास मौजूद सारी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। नए नियम पर व्हाट्सएप को कहा गया है जो गलत पोस्ट कर रहे हैं बस उनके बारे में जानकारी देनी होगी। कंपनी ने कहा कि किसी अकेले की जानकारी नहीं दे सकता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है। इस इंक्रिप्शन सिस्टम की वजह से किसी मैसेज को ना तो व्हाट्सएप और ना ही कोई थर्ड पर्सन देख या पढ़ सकता है। इस नियम को मानने के लिए इसे रिसीवर और सेंडर दोनों के मैसेज का इंक्रिप्शन ब्रेक करना होगा। व्हाट्सएप के पास भारत में लगभग 400 मिलियन यूजर्स हैं। नए नियम को मानने में व्हाट्सएप असमर्थता जता रहा है। सरकार और बड़ी टैक कंपनियां जैसे फेसबुक, गूगल और ट्विटर के बीच विवाद चल रहा है। इसमें नया मोड़ तब आया जब कुछ दिन पहले ही पुलिस ट्विटर के ऑफिस गई थी। पिछले हफ्ते ट्विटर ने बीजेपी को स्पोक्समैन संबित पात्रा के पोस्ट को गलत बताते हुए मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल लगा दिया। सरकार की ओर से बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए इंटरमीडियरी गाइडलाइंस भी बनाई गई है। इस गाइडलाइंस के अनुसार जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूजर बेस 50 लाख से अधिक है, उन्हें निवासी शिकायत अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति को रखना है। इसके लिए सरकार ने 3 महीने का टाइम दिया था, जो 25 मई को ख़त्म हो गया। इसको लेकर के भी कई विवाद हैं। हालांकि फेसबुक ने अब कहा है वो सरकार के लिए नए नियमों को मानेगा, लेकिन कुछ जगहों पर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL। We'll be right back.